हेलो दोस्तों, गर्मियों का टाइम आ चुका है और ऐसे में एक रेफ्रिजरेटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है हमारी लाइफ के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो हम डेली रूटीन में जो फूड यूज़ करते हैं, जो सब्जियां यूज़ करते हैं, उनको फ्रेश रखने का काम हमारा रेफ्रिजरेटर करता है। और ऐसे में एक रेफ्रिजरेटर लेना बहुत कन्फ्यूजिंग काम है। तो इसी चीज़ को आसान बनाने के लिए मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ आज बेस्ट रेफ्रिजरेटर की बाइंग गाइड, कि आपको एक रेफ्रिजरेटर खरीदने से पहले किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर हमारी लाइट चली जाए तो एक रेफ्रिजरेटर हमारी सब्जियों को कितनी देर तक फ्रेश रखता है। क्या आपको पता है कि इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर आपके लिए बेस्ट रहेगा कि नॉन इन्वर्टर बेस्ट रहेगा? आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग किसमें होगी? कितने स्टोरेज का आपको एक रेफ्रिजरेटर लेना चाहिए अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग? तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। बस शर्त है दोस्तों कि आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि आप अपने लिए एक बेस्ट रेफ्रिजरेटर सेलेक्ट कर पाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शॉपिंग बाजार। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए मैं ऐसी ऐसी वीडियोस लाता रहूं। अब कुछ चीजें हैं दोस्तों जो आपको एक रेफ्रिजरेटर खरीदने से पहले जान लेनी चाहिए। अगर आपने पहले भी कभी अपने घर के लिए फ्रिज लिया होगा तो आपने एक चीज जरूर नोटिस करी होगी कि ज्यादातर सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर जो आते हैं उनमें आपको डायरेक्ट कूल टेक्नोलॉजी मिलती है, जबकि डबल डोर रेफ्रिजरेटर में आपको फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी मिल जाती है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। जो डायरेक्ट कूल टेक्नोलॉजी होती है ना दोस्तों, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत से जो फ्रीजर होते हैं उनका जो फ्रीजर कंपार्टमेंट होता है उसमें जो बर्फ है वो जम जाती है, उसे हमें मैनुअली डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है एक बटन के थ्रू। और जो फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों, उसके जो फ्रीजर कंपार्टमेंट होता है इस फ्रिज का, उसके अंदर आपको आइस बिल्डअप नहीं मिलेगा। तो ये एक प्रोज है यहाँ पे फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी के लिए। और ये टेक्नोलॉजी आपको ज्यादातर डबल डोर रेफ्रिजरेटर या मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर या फिर आपको साइड बाय साइड डोर रेफ्रिजरेटर में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों रेफ्रिजरेटर की कंप्रेसर की, कि आपको एक जनरल कंप्रेसर लेना चाहिए या फिर इन्वर्टर कंप्रेसर लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अब जो जनरल कंप्रेसर होता है ना दोस्तों, वो एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे जाने के बाद कूलिंग को मेंटेन करने के बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है, और जैसे ही फ्रिज का टेम्परेचर डाउन होने लगता है वो वापस से अपनी फुल स्पीड पर रन करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है दोस्तों वो थोड़ा सा हाई हो जाता है। बात करें इन्वर्टर कंप्रेसर की दोस्तों, तो ये वेरिएबल स्पीड अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। जस्ट सपोज आपके फ्रिज को एक ही मैक्सिमम टेम्परेचर पर ले जाने के बाद ऑटोमेटिक अपनी स्पीड और परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर लेते हैं, जिसकी वजह से काफी इलेक्ट्रिसिटी एफिशियंट बन जाते हैं और आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव करने में हेल्प करते हैं। ये कंप्रेसर दोस्तों कभी बंद नहीं पड़ते हैं, बस ये अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखते हैं। परफॉर्म जैसे आपका टेम्परेचर डाउन होगा ये अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देंगे, और जैसे आपका टेम्परेचर टॉप हो जाएगा ये अपनी परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर लेते हैं। नाउ दोस्तों यहाँ पे एक सवाल उठ के आता है कि आपको कितने लीटर का या कितनी कैपेसिटी का रेफ्रिजरेटर लेना चाहिए अपनी फैमिली साइज के अकॉर्डिंग। अगर आपके घर में एक से दो पर्सन है तो आप 40 लीटर से लेकर 200 लीटर तक का रेफ्रिजरेटर ले सकते हैं। हालांकि जो 40 लीटर से लेकर 125 लीटर तक के जो रेफ्रिजरेटर होते हैं वो कॉम्पैक्ट साइज के आते हैं, जो कि आपने होटल्स या रेस्टोरेंट में देखे होंगे। अगर आपकी फैमिली में 2 से 3 मेंबर है दोस्तों, तो आप 200 से 300 लीटर की कैपेसिटी का रेफ्रिजरेटर कंसीडर कर सकते हैं। और वहीं आपकी फैमिली में दोस्तों 3 से 5 मेंबर है तो आप 300 लीटर से लेकर 500 लीटर तक की कैपेसिटी के रेफ्रिजरेटर कंसीडर कर सकते हैं। और 5 से ज्यादा है दोस्तों तो मैं कहूंगा कि आप 500 लीटर की कैपेसिटी से ऊपर का ही रेफ्रिजरेटर कंसीडर करें। दोस्तों एक आइडिया था आप लोगों को समझाने के लिए कि आपको कितने लीटर या कितनी कैपेसिटी का रेफ्रिजरेटर बाय करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर फैमिली साइज। ये चीज जो है ये चेंज हो सकती है अगर आपका जो यूसेज है वो थोड़ा ज्यादा है या आपको ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करना है अपने रेफ्रिजरेटर में, तो ऐसे में आप अपने लिए एक हायर कैपेसिटी वाला रेफ्रिजरेटर कंसीडर भी कर सकते हैं। नाउ दोस्तों हम बात करते हैं आजकल की टेक्नोलॉजी के साथ जो रेफ्रिजरेटर्स आते हैं उनमें आपको कुछ ऐसे फीचर्स भी मिल जाते हैं जो आपकी डेली लाइफ में होने वाले टास्क को ईजी बना देता है। नंबर 1 पे है दोस्तों कन्वर्टेबल। अब कन्वर्टेबल फीचर्स क्या करता है दोस्तों, जब आपके रेफ्रिजरेटर का स्पेस जो है वो फुल हो जाता है तो ऐसे में जो फ्रीजर कंपार्टमेंट होता है आप उसको रेफ्रिजरेटर में कन्वर्ट करके उसे यूज कर सकते हैं। अब दूसरे फीचर्स की बात करूं तो दोस्तों वो है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। अब स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन मतलब आपको पता ही है, स्टेबलाइजर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये फीचर एक बेनिफिट क्रिएट करता है रेफ्रिजरेटर के अंदर। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी जाती है बार बार या वोल्टेज फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में ये फीचर आपके रेफ्रिजरेटर को सेफ रखता है। दूसरे फीचर्स की बात करूं दोस्तों तो वो है एंटी बैक्टीरियल गैस्केट। ये कुछ नहीं होता, आपने रेफ्रिजरेटर के डोर पे देखा होगा एक रबड़ होता है, वो रबड़ को आप रिमूव करके इजीली वॉश कर सकते हो। उससे क्या होता है कि उस रबड़ पे मौजूद जो बैक्टीरियल या फंगल होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और इसी फीचर्स को कंपनी एंटी बैक्टीरियल गैस्केट फीचर का नाम देती है। तीसरा फीचर है दोस्तों टफ एंड ग्लास शेल। जो आपके रेफ्रिजरेटर में शेल्फ होती है उस पर आप जब भी कोई भारी चीज रखते हैं या भारी फूड रखते हैं, जैसे आप मान के चलिए अपने तरबूजी रख दिया फ्रिज के अंदर, तो वो काफ़ी हैवी हो जाता है, तो ऐसे में जो टफ एंड ग्लास शेल्फ होती है ना उसकी जो परफॉर्मेंस है और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अब चौथे फीचर की बात करूँ दोस्तों वो है कूल पैक फीचर। अब ये फीचर क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। ये फीचर आपके रेफ्रिजरेटर की लाइट जाने के दौरान
साथ जो उसमें मौजूद वेजिटेबल्स होती है उनको 10 से 12 घंटे के लिए रिफ्रेश रखता है। आप जब भी एक रेफ्रिजरेटर बाय करने जाते हैं तो उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जरूर नोटिस करिए, उसकी स्टार रेटिंग आप जरूर देखिए कि उसका एनुअल एनर्जी कंजप्शन कितना है। अब बात करते हैं दोस्तों इंडिया में आने वाले बेस्ट रेफ्रिजरेटर की मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट की। अब नंबर 1 पे मेरी तरफ से आता है दोस्तों हायर का 258 लीटर 3 स्टार फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर। ये रेफ्रिजरेटर दोस्तों ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है जो कि आपकी काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है। कैपेसिटी की बात करूं दोस्तों तो 258 लीटर आपको इसमें कैपेसिटी मिल जाती है जो कि मीडियम साइज फैमिली के लिए सूटेबल है। इस रेफ्रिजरेटर में दोस्तों जो आपको फ्रेश फूड की कैपेसिटी मिलती है वो 190 लीटर की मिलती है और जो फ्रीजर कंपार्टमेंट की कैपेसिटी मिलती है वो 68 लीटर मिलती है। बात करूं स्टार रेटिंग की तो वो 3 है दोस्तों और जो इसका एनुअल एनर्जी कंजप्शन है वो है 182। बात करें वारंटी की दोस्तों तो 1 साल की वारंटी आपको प्रोडक्ट पे मिल जाती है और 10 साल की वारंटी आपको उसके कंप्रेसर पे मिलती है। बात करूं प्राइस की आज की डेट में तो 24,690 रुपए इसका प्राइस है। प्राइस जो है दोस्तों फ्लक्चुएट होते रहते हैं तो ऐसे में आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाके इस प्रोडक्ट का प्राइस चेकआउट कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे हमारी तरफ से आता है दोस्तों वर्लपूल का 265 लीटर 3 स्टार फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर। फ्रेश फूड कैपेसिटी की बात करूं दोस्तों तो 184 लीटर आपको कैपेसिटी मिलती है और वहीं फ्रीजर कंपार्टमेंट की बात करूं तो 75 लीटर की कैपेसिटी आपको इसमें मिलती है। इस रेफ्रिजरेटर को दोस्तों 4 स्टार रेटिंग तो 2019 में मिली हुई है बीई के थ्रू और वहीं 2020 में इसको 3 स्टार रेटिंग मिली हुई है। एनुअल एनर्जी कंजप्शन की बात करूं तो 190 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आपकी टोटली कंज्यूम करेगा। स्पेशल फीचर्स की बात कर लें तो उसमें स्टेबलाइजर ऑफ फ्री ऑपरेशन आपको मिल जाता है, आइस ट्विस्टर मिल जाता है और डीप सेंस टेक्नोलॉजी मिल जाती है। वारंटी की बात करें दोस्तों तो प्रोडक्ट पे आपको 1 साल की वारंटी मिलती है, इसके कंप्रेसर पे आपको 10 साल की वारंटी मिल जाती है। प्राइस की बात करूं दोस्तों इस प्रोडक्ट की तो 27,240 रुपए इसका प्रोडक्ट है आज की डेट में, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसका प्राइस चेकआउट कर सकते हैं। अब थर्ड नंबर पे हमारी तरफ से आता है दोस्तों सैमसंग का 275 लीटर 3 स्टार फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर। इस रेफ्रिजरेटर में आपको ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिल जाती है दोस्तों जो कि आपकी काफी इलेक्ट्रिसिटी सेव करती है। बात करूं कैपेसिटी की तो वही 275 लीटर इसकी कैपेसिटी मिल जाती है आपको जो कि मीडियम साइज की फैमिली के लिए सूटेबल है। बात करूं दोस्तों फ्रेश फूड कैपेसिटी की तो वो आपको 206 लीटर की कैपेसिटी मिल जाती है और वहीं फ्रीजर कंपार्टमेंट की बात करें तो 69 लीटर आपको इसमें कैपेसिटी मिलती है। स्टार रेटिंग की बात करूं दोस्तों तो 3 स्टार है और इसका जो एनुअल एनर्जी कंजप्शन है वो है 199 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे काम करता है तो इलेक्ट्रिसिटी तो सेव करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये आपका जो फ्रिज है उसका जो कूलिंग टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखेगा। बात कर ले वारंटी की दोस्तों तो 1 साल की वारंटी आपको प्रोडक्ट पे मिल जाती है और 10 साल की वारंटी आपको इसके कंप्रेसर पे मिलती है। प्राइस की बात कर लेते हैं दोस्तों तो 28,490 रुपए प्राइस है इसका आज की डेट में। प्राइस जो है दोस्तों फ्लक्चुएट होते रहते हैं तो ऐसे में आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके इस प्रोडक्ट का प्राइस चेकआउट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे कि एक रेफ्रिजरेटर लेने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो अभी भी आपका कोई डाउट है रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड या अदर किसी अप्लायंसेस से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एक बेस्ट रेफ्रिजरेटर सेलेक्ट करने में। और दोस्तों अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे ऐसा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं दोस्तों और किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग शॉपिंग बाजार।